रेडियो सिटी 91.1 इस सीरीज के जो दो चेहरे हैं, प्रॉबेबली द मोस्ट ब्यूटिफुल डिवाइन नेचर को डिपिक्ट करने वाले लोग, और इस बातों में अपार्ट फ्रॉम ऑफकोर्स इमोशंस एंड व्हाट दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इन दिस सीरीज, आई थिंक आई वांट टू टॉक अबाउट द पीपल दैट दे आर. दिया मिर्जा एंड मोहित, वेलकम टू रेडियो सिटी 91.1. मेरी एक बहुत बड़ी कंप्लेंट थी कि दिया पूरे वर्ल्ड में काफिर के बारे में बात करके आ गए, हमारे पास नहीं आया. एंड शी गोज, अर्चू, दिस इज द फर्स्ट रेडियो इंटरव्यू. दैट्स ट्रू. प्लेटफॉर्म अलग रहते हैं ना अर्चना, थोड़ा समय लगता है. और ये पता नहीं कौन से पर्वत से फाइनली नीचे आ गए. यू डोंट टॉक. तुम काफिर का क्या मतलब होता है पूछो मोहित. काफिर का क्या मतलब होता है मोहित? Detached, not believer. Non-believer. Oh my God. I am a believer. I am a believer in good things. I believe that one day you would get Mohit to the studio. ये भाई साहब कैलाश पर्वत पर बैठ रहते थे, तो कैसे आते थे? Firstly, one second. Om Namah Shivaya. आपके पैरी पोना, मैं आपके पूजा कर रही हूँ, और आपको आज मंडे नहीं है तो दूध भी चढ़ा देती. Hi and welcome to the studio. Thank you so much for having us. Thank you so much. आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, जो भी आपको चाहिए. बट एक बात बोलो, ये एक समय ऐसा था, आशीर्वाद देते घूमते हैं हर जगह. यार ये एक समय ऐसा था जब बहुत सारे रामायण महाभारत के बड़े कैरेक्टर्स थे, आपसे आशीर्वाद ऐसे. वो बेचारे उस जोन में फॉरएवर रह गए. वो इलेक्शंस में चले गए, और मुझे याद है वो अरुण गोविल ना, वो अरुण गोविल हु इज राम या. और वो जब जाते थे ना सब जगह, जैसे तुम्हारे साथ भी होता था, मैंने देखा ये, लोग आके पैर पड़ने लग जाते थे. इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल था उनके लिए. तुमने जो सक्सेसफुली उरी के साथ किया, तो ये भी मैं जानता हूँ क्योंकि मैं तुमसे कई बार मिल चुका हूँ. ये जो पर्सोना था, मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू शेक ऑफ बिकॉज इट बिकेम सो बिग. Yes, it became very big. इसकी realization मुझे तब हुई थी जब मैं actually एक फ्लाइट ले रहा था और मैं फ्रंट रो में बैठा हुआ था. सडनली द कॉकपिट से जो एक पर्सन थे, आई मीन ही मस्ट हैव बीन अ पर्सन, वो मेरे पास आया. उन्होंने कहा कि अरे वेलकम ऑन बोर्ड, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी जनरेशन के सारे एक्टर्स जो रिलीजियस एक्टर्स हैं वो यहीं बैठे हुए हैं, मुझे आप सबकी पिक्चर्स लेनी है. सो उन्होंने एक पिक्चर ली. सो बाय इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस, देन जिन लोगों का आपने मेंशन किया वो सब लोग उसी फ्लाइट से कहीं और जा रहे थे. एंड आई हैड जस्ट गॉन ऑन टू द फ्लाइट. सो देयर वॉज शकुनी मामा, देयर वॉज राम, देयर वॉज भीम, देयर वॉज दुर्योधन, एवरीथिंग. एंड सो आई हैड दैट पिक्चर विद मी. सो आई दैट डे आई रियलाइज दैट आई रियली नीड टू गो आउट ऑफ द वे एंड डिलिबरेटली मेक श्योर दैट आई ब्रेक दिस, बिकॉज अदरवाइज पीपल्स परसेप्शन विल जस्ट. जबकि तुम्हारा परसेप्शन जब हम बच्चे थे बिल्कुल ही अलग था. तुम जिम में एक बॉडी बिल्डर टाइप बंदे थे, यू नो. सो इवन इट्स लाइक दिया मिर्जा वुड हैव लाइक अ ब्यूटी क्वीन फॉर एवर इन आर माइंड. तुम्हारे लिए डिड उरी स्मैश दैट, येस और नो? मतलब हो गया उससे पूरी तरह, या फिर काफिर के साथ अब हो रहा है? आई थिंक वो ग्रेजुअली हुआ था. पहले दो साल में एक्चुअली बिकॉज आई वॉज सो मच इन टू आर वर्किंग आवर्स वर सो बैड, लाइक 18-20 आवर्स, आई नेवर न्यू व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड इन द वर्ल्ड. तो जब मैं बाहर आया तब मैंने रियलाइज किया कि हाउ सीरियसली पीपल आर टेकिंग यू, हाउ सीरियसली पीपल आर थिंकिंग दैट यू आर रियली अ गॉड. सो आई थिंक वो ग्रेजुअली हुआ. उसको 50% शेयर जो है वो सारा घड़ी को जाता है. Yes. I did a show for called AK Sarfaroosh where I played a Sikh soldier. The Kesari movie that we watched, इनका इन्होंने सीरीज पहले कर लिया था. आपका शूटिंग पहले शुरू हुआ कि उनका? नहीं, हमारा पहले शुरू हो गया था. सो आई डिड the 50% was done by this, so I think 25-25 will be like Uri and Kafir for sure. बढ़िया. So there's a fan moment that we'd like to know, क्योंकि ये हम लोग को नहीं पता होता और आप बहुत कम बोलते हैं, तो कोई एक fan moment है जो आपको लगा भाई नहीं? Elderly lady. But I must tell you, जब the biggest mistake is to ever try to go to see a film with Mohit Raina. Really? अगर आप कोई public theatre में जा रहे हैं ना, तो आपको बहुत आगे रहना पड़ता है, क्योंकि लोग and so और क्या होता है ना कि आप अगर खुद भी TV पर थोड़ा सा कर चुके हो, the madness for him क्या होता है ना, I have never been seen through like this. अरे हटो ना, ऐसे चल रहा है, आगे भागना पड़ता है और ये पीछे. एंड ही इज वेरी अनअज्यूमिंग एज अ स्टार, पता है वो, ही डजंट, आई नेवर सीन हिम बी कंफर्टेबल. तो क्या वो पब्लिक प्लेसेस वाली कोई कहानी है या फिर कोई और स्टोरी है ऐसे जिसमें यू वुड लाइक? नहीं, ऐसी बहुत सारी कहानियां, एक्चुअली दो तीन स्पेशल कहानियां हैं. उसमें एक ये है कि लोग, पीपल यूज टू कम एंड दे यूज टू टच माई फीट, और वो लोग करने लगे तो मुझे बहुत वो अजीब लगता था. देन आई स्टॉप दैट. So first time when I encountered an elderly मतलब lady के साथ, stop people from doing that. Yeah, from doing that. So I used to stop them. So एक elderly lady मुझे मिली थी, उन्होंने मेरे पाँव छुए और मैंने उनको रोका कि मैंने कहा भाई आप मेरी माँ की उम्र की हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए मेरे साथ, इट डजेंट लुक गुड. तो उन्होंने बड़ी एक अच्छी चीज़ मुझसे कही थी कि प्लीज़ तुम ये मत सोचो कि ये हम तुम्हें कर रहे हैं, डोंट टेक इट टू पर्सनली, यू नो ये, एंड यू हैव नो राइट टू टेक दोज 10 seconds away from us. आई एम डूइंग इट टू द स्वरूप दैट आई सी इन यू.
So that wow, was man, hardcore. एक बहुत अच्छी योगा एक्सपेरिमेंट शिशुरु अष्टांगा एंड सलिल ने उसके बारे में मुझे बताया. दीपिका मेहता वो एक क्लिफ से गिर गई थी 40 feet क्लिफ से जब वो माउंटेनियरिंग कर रही थी और फिर योगा की वजह से वापस आई. उसने मुझे कहा कि मैं जब अभी मेडिटेट करती हूँ शिवा तो मुझे इनकी शक्ल दिखती है. Bro, you gotta get rid of that man. No, why? No, when they close their eyes, she's very hot. You don't want to be Shiva in front of her, trust me. Everybody wants Shiva in their life. Yeah. Is it? Yeah. And she's hot even better. Why are you stopping it? What is wrong with you? Achha, sorry. Let it continue. Single aadmi hai, yaar. But Diya Mirza, you've made the plunge. How should I say this? Aap jab... One second. I want to say this. Last time I shared a bit of screen space with her because she was watching me on TV in Sanju. And I think like, whoa, baby. And then now you got this whole series going on for yourself. Wow. Like, wow. But yes, bolna is difficult for you. Because you look like a person sube se lekar raat tak script check ki hogi. Aage, peeche, upar, neeche. No, you know, Salil, tabhi mujhe Diya ne kaha tha ki Abhijat had said that you, after this, watch what happens. Hai ki nahi, Diya? Yeah. Aapki performance ke baad in Sanju? Yeah, I think there are always special moments in special films, but web OTT is a ginormous platform. It's a platform that's really intimate. आप सीधे लोगों के घरों तक, सिर्फ घर तक नहीं, उनके फोन तक, उनके पॉकेट में, उनके दिल में बसने का आपको मौका मिलता है. And I think मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसे काम का हिस्सा बनूं जो हमसे थोड़ा बड़ा हो. And Kafir is that story. As an artist, it is a once in a lifetime opportunity to tell a story like Kafir. And I couldn't have asked for a better debut on digital. Agar Mohit Raina शिवा की छवि लेके घूम रहे हैं, आप खूबसूरती की छवि लेके घूमते रहते हैं. ऑडियंस लगे, लेट मी टेल यू वन थिंग, जुहू का होर्डिंग में देखा, हाउ दैट्स ऑल दैट यू नो, लाइक हाउ व्हेन यू आर ब्रेथलेस जब आप एक माउंटेन चढ़ते हो, ऐसी फीलिंग आती है दिया को देख. बट अ परफॉर्मर माइट नॉट ऑलवेज वॉन्ट दैट. आई थिंक आई सेड दिस टू वेरी ब्यूटिफुल वुमेन दैट आई थिंक एज एन एक्ट्रेस कैन यू नजरअंदाज कर सकता है कई बार. हाँ, खूबसूरत है तो पुल ऑफ कर लेंगे. एंड यू गो लाइक, हेलो एक्सक्यूज मी, व्हाई डोंट यू से ग्रेट परफॉर्मर, हाँ और भी बहुत खूबसूरत है. कई बार ऐसा होता है. आई थिंक काफिर्स डन दैट फॉर मी. आई थिंक काफिर्स डन दैट फॉर मी बिकॉज इट्स दैट काइंड ऑफ पार्ट. इट्स अ पार्ट दैट कंप्लीटली वैंक्विशेस ऑल आइडिया ऑफ वैनिटी. Difficult for you to do? No, not at all. It was the easiest thing to do. It was something that I really wanted to do. I really enjoyed being real. She's also very sensitive, Salil. So I'm guessing ye part karke aapko bahut low bhi feel kiya hoga aapne bahut, because you tend to internalize so much. Yeah, of course. But Archana, I think the empathy that this character makes you feel and the humanity it makes you feel, it actually energizes you. Because while there is her experiences, I'm playing a Pakistani woman who's... jailed in India, labeled a militant, and births a child in imprisonment and is raising a child in imprisonment until Vedant, Mohit's character, comes into her life. 7 years go where she has no connection, no interaction with anybody who she has. Koi real life story? This is based, inspired by a real life story. So I went to places that I've never been before. Really dark spaces. Oh, जाके आपने साफ सफाई भी की नहीं देखा. वो तो physical. She's talking about her mind. But listen, the critics, you know what? Like, what reviews? Yeah, sir. I was just going to say this. Box office भी क्या होता है ना? अगर critics कुछ भी बोले, पैसे कमा ले तो ठीक है. Yeah. खैर, Mohit doesn't know about such things. जहाँ critics और 200, 300 करोड़ बना लिए. By the way, congrats. You have created history. Sorry, we are going to space. You don't know. I'm actually very excited because we both had really big, incredible films. And by the way, both of them are competing with each other. क्या ये संजू का रिकॉर्ड तोड़ेगी या ये करेगी? But काफिर is pure, no money, nothing, views, public जो लिखना चाहती है लिख देती है. And पता है क्या है? मैंने अक्सर देखा है OTT platform पर जब भी कोई शो देखा जाता है, फुर्सत में देखा जाता है. फिल्म में क्या होता है कि फ्राइडे यार जल्दी जल्दी देखने जाओ, और क्रिटिक्स वेंसडे या थर्सडे, अरे 3 ही घंटे हैं, पॉपकॉर्न अगर बेकार लगी तो. ये घर पे बंदा देख रहा है, आराम से देख रहा है, तो बड़े टाइम लेके रिव्यू लिखता है. और इसमें इतने अच्छे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन. Were you nervous before people would say something? Just say, because these are pretty much debuts for you all, you know. So no, I think no. You know, as actors, we were nervous. As actors, we always have an intuition. You always know where you are heading and what you are doing. कितना कम पानी में पता चल गया था. And I think इस कहानी की खूबसूरती सबसे बड़ी यही है कि the script
Script, I personally feel, is the most important part of this series. Because when we heard it, both of us, we just took 2 minutes to say yes. I think. Okay, I have to tell you something very interesting. हिंदी में बोलूंगी सलिल और अर्चना. भवानी अय्यर ने ये कहानी 13 साल पहले लिखी थी. 13 साल लग गए इस कहानी को लोगों तक पहुंचाने में. और जितना प्यार से ये लिखा गया है, जितने प्यार से और इंसानियत से ये लिखा गया है, शायद ही ऐसा कोई स्क्रिप्ट लिखा गया हो. तो हमको तो पता था पहले 2 मिनट में कि हम ये कर रहे हैं. बट मुझे लगता है हम दोनों ये बार बार कहते हैं कि वी वर चोजन फॉर दिस. There is some special force that made this happen the way it has happened. And ये जो एहसास लोगों को हो रहा है, जो देख रहे हैं, जिस तरह का प्यार, I'm forget the critics and the amazing reviews. I'm talking about real people who are quoting lines from the series, who are expressing unparalleled love. That's only possible when the writing is what it is. Yeah. You know, I want to talk about the way you all were talking about this also, you know, which is a very interesting way. खूबसूरत एक पिक्चर डाली जा रही है, उसमें बड़े अच्छे लाइन्स डाले जा रहे हैं, कोटेशंस आ रही हैं. तो आप लोगों ने भी बहुत सोच समझ के, I know the both of you and Mohit, of course, I know very well. ये fast fashion और fast forward और fast lane के प्यार के ज़माने में हम थोड़ी सी poetry लेकर आ गए. Yeah, that's what I was going to get. So whose idea was this? It's the script. Yeah. It's the script that dictates the narrative, and I'm very grateful to Zee and the marketing team, क्योंकि उन्होंने इस बात की अहमियत को समझा और उसे ही अपना कर उसे आगे ले गए. क्योंकि मार्केटिंग में कभी बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि यू नो दे जस्ट चेंज द टोनैलिटी ऑफ द स्टोरी और कुछ और ही प्रमोशन कुछ और होती है, एक्चुअल चीज कुछ और होती है. तो द गुड थिंग इज दैट एवरी थिंग इज रिमेन कनेक्टेड ऑन दिस वन. और जो स्वानंद किरकिरे की लिखी हुई कविता है, वो इतनी पावरफुल है कि लोग उसे भी कोट करने लगे हैं एंड यूजिंग इट एज अ रेफरेंस टू देयर ओन लाइव्स. क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान की कहानी है. ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की कहानी नहीं है, ये इंसानियत की कहानी है. इट्स अबाउट द डीमंस दैट वी डील विद इवन एज पीपल. सो आई थिंक द पोएम ऑल्सो मेक्स पीपल फील लाइक अरे आई सी माई सेल्फ इन दैट लाइन. ये मेरे साथ हुआ है. आपके बीच में भी इस सीरीज में आप भी ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हो पोएटिकली, इज दैट हाउ इट्स रिटन? सूत्रधार है मिस्टर रायना साहब. माय कैरेक्टर लव्स पोएट्री और वो थोड़ा लिखती है, बट द ओनली टाइम यू हियर हर रिसाइट अ पोएम इज एट द एंड. और आई प्रॉमिस यू अर्चना, यू विल क्राई. इट विल जस्ट break your heart but also uplift your spirit like never before. Wow, it's very you know ye unme se ek you remember the first time I recited the poem to you जब स्वानंद ने, can you tell them that story? It's such an amazing coincidence. दोनों के बीच में ना आंखों में ऐसे discussion, ये बता सकते हैं क्या? ये बताना लोड क्या है ये? अरे सब आउट है यार, सब कुछ बता सकते हो यार, A to Z बता सकते हो. ऐसा कुछ रोक के अब वो ज़माना गया. It's out there. तो स्वानंद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. तो भवानी ने इंग्लिश में एक बहुत खूबसूरत कविता लिखी थी जो मेरा किरदार इनके लिए लिखता है टुवर्ड्स द एंड. तो मैं चाहती थी कि कोई ये हिंदी में लिखे और बहुत खूबसूरती से लिखे. और आई डोंट नो एट एन इंट्यूटिव लेवल आई थॉट कि स्वानंद विल बी परफेक्ट फॉर इट. तो आई रीच्ड आउट टू स्वानंद अबाउट 3 वीक्स बिफोर द पोएम केम टू मी एंड आई सेड दिस इज़ अ स्टोरी, ये कहानी है, ये एहसास है, मैं आपको ये सीन भेज रही हूँ और थोड़े से लाइंस भेज रही हूँ, आप देख लेना और प्लीज़ कुछ लिख के भेजना. एंड आई डोंट प्रॉमिस यू कि यूज़ करेंगे या नहीं, पर प्लीज लिख के भेज दो कुछ. बट ही इज वेरी चिल्ड आल्सो, ही इज अमेज बॉल्स. तो ही सेड हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा यार, क्या कहानी है यार, मैं लिखता हूँ. सो ही सेड ओके. फिर हम शूटिंग कर रहे थे, बिजी हो गए हम, हमारे जो फिनाले जो क्रिसेंडो है स्टोरी का वो शूट कर रहे थे चांदीवली में. और सुबह द फेमस चांदीवली स्टूडियो ऑफ कान फिल्म फेस्टिवल. आर यू अवेयर ऑफ द? यस, सॉरी, ओके, नॉट डोंट गेट इनटू ब्यूटीफुल इट वाज. या सॉरी, आई एम टेलिंग यू नाइस स्टोरी. आई नो, यस यस. तो वी वर शूटिंग एंड आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम स्वानंद सिंह. और ये सीक्वेंस था जहाँ पे मेरा किरदार ये पोएम नरेट करता, रिसाइट करता है. इट्स लाइक अ वॉइस ओवर.
एंड द टाइमिंग ऑफ इट ऑल. सो ही मैसेजेस मी एट 9 इन द मॉर्निंग सेइंग, दोस्त आई एम रियली सॉरी, मैंने अभी तक नहीं भेजा, लेकिन मैं आज देखो भेज रहा हूँ. एंड आई वाज लाइक क्या? आई सेड कब तक भेजोगे? ही सेड बस 2 घंटे में मिल जाएगी, काम कर रहा हूँ. हमारा शॉट तैयार हुआ, हम ऐसे जाने वाले थे और मेरा फ़ोन पे अलर्ट आया एंड द पोएम वॉज इन माई इनबॉक्स एग्जैक्टली वेन वी वे गोइंग टू डू दैट. वाज डेस्टिन्ड टू बी, इट वॉज सरियल. एंड आई रिसाइटेड द पोएम टू हिम इन दैट मोमेंट एज सून एज इट केम एंड वी वर लाइक ब्लोन अवे, लाइक वी हैड गूज बम्स एंड टीयर्स इन आर आईज. वी वर लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन हियर. And the way he wrote it, कर्म नहीं किया है ऐसे ही कुछ लग रहा है. कुछ बोल रहे थे पोएट्री के बारे में, मैंने ऐसे दर्शी मतलब आप दोनों की कम्युनिकेशन है पोएट्री की, आप कुछ कह रहे थे. No, I was saying कि this, no, I wasn't saying anything about poetry, but apart from that, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये कहानी जो है इसकी सोल, इट हैज अ वेरी प्योर सोल, सो यू विल कनेक्ट टू इट. एंड ये एक ऐसी कहानी जो आपको रुक कर, you know, we live in a very fast-paced life right now. So it will force you to just stop, breathe, analyze, feel, and just watch. You need to absorb the. It is that story. It will make you absorb it. क्योंकि मैं कर्मा में बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैं ऑफ जैसे मैं बीएसटी बसेस से बहुत गुस्से में रहती हूँ, कैसे भी चला के चले, तो फिर अभी इतने लॉसेस में चले गए होगा ना, तो मैंने उनको बोला आपका कर्मा खराब है, इसके लिए आपका लॉसेस चल रहा है. वैसे पता नहीं कितने लोग बेचारे नॉट बीइंग टू यूज देम, स्टॉप गिविंग कर्मा टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट. नो, आई एम जस्ट आस्किंग द टू ऑफ यू, आप दोनों का क्या कर्मा रहा होगा इन टर्म्स ऑफ थॉट, कि आप दोनों एक ऐसे टेल से जुड़ गए हैं जो आई थिंक इन द रेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड ह्यूमैनिटी बहुत जरूरी पीस ऑफ कम्युनिकेशन है. जैसे आपने बोला यू नो लाइक It was meant to be the two of you. आपके लिए कोई बचपन में कोई strong सोच थी of unity or something, या आपके भी? Of course, he's from Kashmir. I know, that's why. So I want to know. See, I because born and brought up in Kashmir, so मैंने I have seen closely जो भी कुछ होता रहा है कश्मीर में. मेरा एक बचपन का दोस्त था, मैं जब actually 8-9 साल का था, तो मैंने उस फेज में अपने एल्बम्स देखनी शुरू की थी पिक्चर्स की. सो देर वॉज अ कॉमन गाय इन दैट पिक्चर विद मी, हु वॉज देयर इन दैट इन दोज पिक्चर्स ऑलवेज विद मी. सो आई आस्क्ड माय फादर, आई सेड ये कौन है? तो आई सेड ये तुम्हारे बचपन का दोस्त था, तो 8 साल तक तुम इससे पीछा नहीं, तुमने कभी छोड़ा उसका, तुम स्कूल साथ में जाते थे, खाते साथ में थे, और तुम 8 साल तक तुम दोनों साथ में थे. And but uske baad I don't know, I have never met him and there's no touch his name, but I still call him, I know my dad used to tell me that his name was Fahim. So I think wo connection jo tha, wo unity wala hamara dono ka, wo bahut kamal ka tha. 8 saal humne ek saath, like literally 24/7 we used to be together for 8 years, but then when we left Kashmir, so we had no touch. Abhi aap mile nahi Fahim? Nahi, I never, I just have one picture, that's it. You know, you were shooting. You know what will be amazing is if Fahim reaches out. Watches this show and reaches out? Yeah. It could happen. It could happen. Yeah, maybe. Yeah, it can happen. Now it's because it's on online. I'm telling you, you're going to get an in DM on Instagram from Fahim saying, Mohit Raina, main tumhara wo dost hu jiski aap zikr kar rahe the. नहीं, बहुत सारी फोटोज हैं. हाँ, एक्चुअली दैट्स अ गुड आइडिया. या यू शुड, दैट्स अ गुड आइडिया. इफ आर यू रेडी फॉर ऑल द मिस्ड इयर्स, maybe he's not the same Fahim who was there 8 years back. Remember that also. A lot of things change also. 30 years, 40 years may have gone through that. Yeah. 30 years. Kya 30 years. Aise mat karo. Acha, Himachal mein shooting kiya, and I feel so sad when I go there. Mere ko na wo, so because I was from Delhi, you would go often to Shimla once in a while. Itni khoobsurat. Kachre ki baat karne wale. Ab nahi. Achha. I just feel when you were shooting there, how was it? I mean, do you feel sad when you go there and shoot now? I feel like, and I want to tell both of you before you all tell me. आई गेट द फीलिंग ऑफ अ दुल्हन जो शादी पे विडो हो गई, मतलब इतनी खूबसूरत लेकिन सो डार्क बिकॉज ऑफ द फीलिंग दैट यू गेट. शिमला या इनका सीरियल? ऑल ओवर कश्मीर. हाँ, अच्छा वैसे नहीं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हिमाचल. बट एवरीवन्स लाइक यू नो लाइक फ्रोजन इन टाइम. ओके, वन सेकंड गाइस, pause, he's going in another direction. Darling, you are going, ruk jao, do second ruk jao, ye alag hai. No, but I have to address what she's saying. हाँ, okay. Very important. दुल्हन वाली बात. कश्मीर इज दी मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस ऑन दिस प्लानट. उससे ज़्यादा खूबसूरत जगह है नहीं ये दुनिया में. वहाँ के लोग इतने खूबसूरत हैं. एंड यू आर सो राइट अबाउट व्हाट यू से. मैं 2 साल पहले बारामूला गई थी आर्मी के साथ. माय मदर वाज बोर्न देयर, शी वाज आर्मी में. तो वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था, उसके लिए मुझे बुलाया गया था.
तो वहाँ पे जाने के बाद मैं ऑब्वियसली आई हैव बीन टू कश्मीर बिफोर एंड आई हैव ऑलवेज बीन स्ट्रक बाय इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड यू नो व्हाट दैट डज टू मी. लुकिंग आउट ऑफ द कार आई केप्ट सेइंग ये घर दिखने लगे एक के बाद एक, इतनी खूबसूरत घर, सारी खिड़कियाँ बंद, सारे दरवाजे बंद. वापसी में जब एयरपोर्ट जा रही थी तो आर्मी ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि आप कश्मीर वापस कब लौट के आएंगी. तो मैंने कहा मुझे पता नहीं मैं कब लौट के आऊँगी, पर मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जब मैं लौट कर आऊँ तो ये खिड़कियाँ और दरवाजे खुले हों. इमेजिन, ये इतनी बेसिक बात है दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड एवरी डे. हम घर जाते हैं, हम दरवाज़ा खोल देते हैं, हम खिड़की खोल लेते हैं, हम खुले में सांस लेते हैं, खुले में चलते हैं, खुले में घूमते हैं. आज़ादी क्या होती है ये हम जानते हैं, वहाँ के लोग ये नहीं जानते. एंड दिस इज समथिंग दैट हैज टू चेंज. कांट चेंज, बट आई डोंट सी दिस चेंज. इट हैज टू चेंज. इनफैक्ट आई सी द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ द वर्ल्ड गोइंग, आई मीन आई वाज रीडिंग समथिंग, आई थिंक इट विल चेंज नाउ बिकॉज़ दिया ने अपने हाथ पे आजाद का टैटू कराया है एंड इट विल चेंज नाउ. बट एक बात बताओ, हिमाचल जहाँ शूटिंग करते वो चेंज हुआ है कितना ज्यादा, मेरे तो आंसू आते अब. Were you shooting in a slightly greener patch? We were shooting in one of the most beautiful valleys of Himachal, of the Himalayas. It was called Sangla Valley and there's Kalpa. It's very close to the Tibet border. So, ye jo area hai, kafi pristine hai, abhi tak untouched hai, untainted hai. लेकिन कचरा यहाँ पर भी पहुंच गया है. तो हमने अरे माउंट एवरेस्ट पर कचरा पहुंच गया है तो ये क्या है? लाखों टन में पहुंच गया है, पर एक्चुअली मिलियंस. पर द गुड थिंग वाज, इवन दो कि ये जो नैरेटिव है वो इतनी इंटेंस है, डार्क है, ये सब कुछ है, कभी थकान महसूस नहीं होती थी क्योंकि आप ऑक्सीजन बेबी, एक तो साफ हवा और उसके साथ साथ इतनी खूबसूरती, तो हमेशा दिल को एक ठंडक पहुंचती थी. इट वाज रियली नाइस. मेरा तो मन कर रहा था वहीं रह जाओ, वापस ही ना हो, चल चाहे वो -7 degrees हो. आई थिंक वहां के लोग भी जो थे बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन. खाना बन के आता था घर से, हमारे लिए खाना बना के लेके आते थे बिकॉज हम लोग होटल में रहते थे. तो एक महीने तक हम लोग होटल का खाना खाना इतना पॉसिबल नहीं था. घर का नॉर्मल दाल सब्जी, वेरी सिंपल फूड, वेरी सिंपल. वो इतने हाई एल्टीट्यूड पे इतनी ठंड पड़ जाती है कि काफी वेजिटेबल्स वहां तक पहुंचते भी नहीं. सो फॉर अबाउट ऑलमोस्ट 5.5-6 months ऑफ द ईयर वो लिटरली दाल और चावल खाते हैं, सब्जियां नहीं पहुंचती. वो मुझे बता रहे थे कि कितनी देर बाद वहाँ तक चीज़ें पहुंचती हैं, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर देम टू इवन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट्स अ टफ लाइफ. बहुत मुश्किल होता है. और हमारे जो लोकल कोऑर्डिनेटर्स थे वहीं के थे, सो देयर वाज द एंटायर लोकल पॉपुलेशन वाज हेल्पिंग अस इन दिस. इट वाज एंड दे वर एक्टिंग, दे वर एक्टिंग. आमदनी बढ़ाने के लिए कांग्रेट्स, आपने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया फॉर 1.5 months. आपके पिताजी कितने प्राउड फील हुए थे आपके फैन परिवार वाले, आर दे हियर इन मुंबई? या माय मॉम स्टेज इन मी, डैड इज नो मोर. ही आई मीन ही डिडंट सी एनी ऑफ दिस व्हाटएवर आई हैव एक्सपीरियंस इन द लास्ट 10 इयर्स ही वाज इन देयर. बट या फैमिली फील्स प्राउड, दे फील प्राउड. I think our fathers would be so proud of Kafir. Yeah. Our fathers would be like raising a toast. So it's very interesting. Sonam, who's the director, Mohit and I, all three of us have lost our fathers. And the first thing we said to each other when we saw the finished product was, dads would be proud, man. This is like, this one is for them. Yeah. Ye tattoo kiske liye hai, Azad? Ye mere liye. Mere rooh ke liye hai. अच्छा, ये तो ऐसे ही आया ना, I had nothing to do with the show. You know, but I think she got it done a lot with the show. Yeah. Oh, yeah, really? Yeah, yeah. So I got the tattoo with Sonam and Pratik. We asked Mohit to join us, but he already has a tattoo. Sorry, I'm thinking about. But I think the tattoo has a lot to do with the story. I would never get a tattoo. This feeling, I just can never get myself. No, this feeling is so powerful of freedom. And I think it was born from this story. And I don't think it'll ever leave me. Well, it's a tattoo. You can't now. It's Azad written in Hindi that looks like Urdu. Oh. Yaar, ye pata hai, I'll, you know, you go through so many discussions with so many people from the industry. With y'all, I feel like I'm sitting in like a Bodh Gaya
एक 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 पेड़ के नीचे जहां चार लोग ना, अरे इट्स अ काफिर इफेक्ट यार. Come on, no, so both of us. We have almost attained nirvana. It is. I want to break the ice. What? Last time you went partying, और कौन से गाने पे आपने dance किया? Dance. Salil के time. He stands in a corner. He stands in a corner with his arms. No, no, no. He dances. Oh, I have not seen him dance. We हमारी rap party थी. Rap party के दिन हमने rap party के दिन हमने बिल्कुल. हम कल्पा वैली की ठंड में थे, -3 degrees के टेम्परेचर में, सब ठंड में, रात को 11 बजे, और वो भी आउटडोर में, मतलब फेरी लाइट्स लगी हुई थी, माहौल बना हुआ था. यार आप बहुत डिटेल मिस कर रहे हैं. ये जब मैं काम किया, गलत बात, रेडियो है, यू हैव टू पेंट, क्रिएटेड इस पार्टी में चार 25-30. अरे पूरा क्रू था लल्लू, ये थोड़ी ना ग्रैंपा पार्टी पूरे क्रू के लिए था. मैंने कैंडल लाइट बोल दिया. सुपर. तो मैंने छैया छैया पे उसमें डांस किया था. अच्छा, छैया छैया पर. Of all the tracks. Yeah, yeah. And full on. And Archana, he was being Malaika, not Shahrukh. अभी चिकनी चमेली में डांस करवाएंगे, बस वो बच्चा है. But great guys, I'm so happy to see this. We had to break the Bodh Gaya vibe. अपन आप गाड़ी में निकल गए, बट आई होप दिस इज नॉट बी वन ऑफ. और बहुत सोच समझ के आप डिसाइड करती हैं मैं ये करूंगी वो नहीं करूंगी. आई होप दिस वोंट बी लाइक वन ऑफ. एंड द ओटीटी प्लेटफॉर्म इज गिवन अ ग्रेट एडवांटेज टू डू ऑल काइंड्स ऑफ स्टोरीज. दिस इज गोइंग टू बी अ वन ऑफ. व्हाई? बिकॉज दीज स्टोरीज डोंट गेट रिटन एवरीवेयर. तो आप प्रोड्यूस करो ना. होगा, भी होगा. किया ना माइंड द मल्होत्रास. या थैंक यू. व्हाट एन इंटीग्रेशन. Yeah, of course. Dusre OTT platform ka. I had to tell you all. No, but I'm very excited. Really excited. Kyunki 2-3 things are happening. Ek to ye baat hai ki industry mein ageism ke wajah se hum ladkiyon ke liye specially bahut kam roles likhi jati hain. And I think OTT has opened up the opportunities for women my age. Yeah. First of all, don't say it like that, because it's a fact. But it's changed the last 2-3 years. Not I really. Think I know enough actresses who are powerhouses, who are superstars, true, yeah. who are sitting at home because they're married right now and because they're not 32 anymore. You understand? So that's a reality. It doesn't change. The only way it'll change is hum na na karte rahenge aur sirf usse ha kahenge jo which brings out the best in you. Yeah. आप मोहित के बारे में 2 शब्द कहें और ये आपके बारे में 2 शब्द कहेंगे. नॉट लिटरली. फिर हमारी रैप पार्टी हो जाएगी. 2 शब्द काफी नहीं है. जो मिसकंसेप्शंस लोगों के हैं मोहित रायना के बारे में, द ब्रूडिंग जेंटलमैन इन द कॉर्नर. ओके, सो मोहित रायना इज सुपर इंटेंस, बट ही इज ऑल्सो अ मस्तीखोर. ही हैज द मलाइका इन हिम. उन्होंने बिहाइंड द सीन्स कुछ करा, मतलब ही डिड ही प्ले प्रैंक्स, कुछ किया ऐसे? नो, ही इज नॉट. ये काफिर पर आई थिंक ऐसा सेट नहीं हुआ होगा ना. नो नो, ही इज नॉट अ प्रैंकस्टर. But he is a chupa rustam. Hmm. Like he'll say things to me and then I'll discover later ki sab dhaap raha hai. Ye sab mujhe goal ghumane ke liye bol raha tha. So it takes a little time to. But are you naive? Is it easy for you to do run circles around you? Shayad, hai na? Initially, yes. Because also I went into kafir very trusting. Yeah. And very believing of the soulful eyes. I was like, ye to matlab. ये शिवजी का अवतार लेके आए हैं अंदर. But I have to say that Mohit Raina is an extraordinary human being. His humanity, his soul is so pure and so precious. Vedant is everything that he is in Kafir because of the person Mohit is. I say bro, now you have to give back the compliments. देखो एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप शिवजी बन चुके, ये पार्वती ही है, जब देखो क्रिएशन के पीछे पड़ी होती है, ये साफ करो, ये करो, ये करो, all for environment, so to say, so you know she's taking care of prakriti. But don't be under pressure, जो मन में आया वही बोलना है. हाँ यार, इतनी मैंने तारीफ कर दी तो you don't have to like praise me back, it's okay. देखिए मेरी, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको तो कुछ मुकाबला ही नहीं, कंपेरिजन ही नहीं. He's got the winning line, I see. रहना है तेरे दिल में के बाद मेरे रूम में वैन डैम का और दिया मिर्जा. वैन डैम और दिया मिर्जा ब्रो. मतलब आप, हम सब जानते हैं कि कैसे पूरा हिंदुस्तान फिदा हो गया था रहना है तेरे दिल में देखने के बाद.
पूरी दुनिया के लिए पूरे इसके लिए शी इज दिया मिर्जा, फॉर मी शी वॉज रीना मल्होत्रा फ्रॉम रहना है तेरे दिल में, खत्म है सर। सो आई वॉज गोइंग टू वर्क विद रीना मल्होत्रा। दिस हैम्पर गोज टू यू, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुक्रिया भी ज्वाइन करने के लिए। मे यू गेट ऑल द सक्सेस एंड मे बी सी अ लॉट मोर ऑफ यू, इवन दो दिया ने कहा कि मे बी नॉट, बट मे बी यस भी हो जाएगा, क्या पता, कुछ लोग देख लें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, लव यू बोथ।